वालेकुम, क्या हाल इन व्यूअर्स? ठीक हो? तभी ऐसे ठीक है। मैं मोहम्मद रिजवान, दूसरा रहते पे यूट्यूब चैनल मोहम्मद रिजवान। आज द व्लॉग करें पे शुरू। उम्मीद है थोड़ा को सारा व्लॉग अच्छा लग सी। वीडियो जरूर देखनी एंड तक। बहुत अच्छा व्लॉग बनाने वाला है। आज द माहौल थोक दिखाए ने अपने इलाके की रूटीन और सारी थोड़ा शेयर करें। आए वे अज दरिया ते जितना बन बनता वे अज काफ़ी सारा काम ठीक है। तो ना सारे दोस्त गुदे बन दे पर सफाई करें दिन कह दे जंतर खड़ा है। तो कह दी कोई फसल है और कोई अपना कपें का वधा है, कोई दरख्त कढ़ियां का वधा है। तो ये आके थोड़ा कुछ दिखाने हैं। ये लोग देख सारे पीछे दोस्त हैं सारे कुछ। ये देख जंतर कपें दे वधन, जंतर कपी सी वाला है। बन छन का काम शुरू थी सी ना। सवेर सवेर ना बिस्मिल्लाह ठीक है, अल्लाह खैर करे। बांध के बाद शुरू किया वे काम, ट्रैक्टर लग गया तो सारे दोस्त आए वे नहीं सही डेक बांधते क्योंकि पूरे इलाके का फायदा थी ना भी है। इन सारे दोस्त आज नाल आए वे सवेर सवेर ना पता करवा नाल नाल काम थी ना भी है। ये देख दरिया की पोजिशन है। ये अगे एक बंदा देखी तो कह नाल ते मैं हाथ रेड़े नाल बने दा रही है थोड़ा थोड़ा सामने। आ गया को गन्ना वाला, गन्ने की वजह तू जगह को छोड़ दिता गया तो गन्ना ठुकी सी तो बाद इतों को काम कर रहा सी। ये गन्ना महीने बाद गन्ने की कटाई शुरू की वैसे मिलना शना चल सन बाद इन शाला गजर में गन्ना शना कटी वैसे ना सारा बाद गन्ने वाली जगह या चावल वाली जगह जितना बची पई है उसको बाद फिल कर। अलहमदुल्ला इलाके तो बहुत आमन थी है तो बहुत ही फायदा थी पे पूरे बसे पूरे इलाके का ही बंद नाल तकरीबन तकरीबन दस तो बारह बस्तियां हैं जरे सैलाब की आजादी चाहनी हैं। वो उम्मीद है हूँ सारे का बचाव थी वैसे क्योंकि बन काफ़ी ऊंचा सी, 5 फुट ऊंचा है पीए तो 8 फुट चौड़ा है। पूरी सड़क की सड़क बढ़ वैसी तो बहुत सारा फायदा थी वैसे। पता नहीं थोड़े इलाके से तो कितों कितों देते पे वे पानी आते जाने इतना तो हर साल पानी निकलता है पूरे अगू बस्तियां जेरे आब आ वैन तो इलाके के मशवरे ना सारा काम हूँ करेंगे पे। ये राठी है ना इतना पानी सर्दियों को अक्सर खत्म थी वे लेकिन इस साल हाले भी पानी इस मौसम को कौन नहीं होता आगे तो इस साल हाले भी पानी है पिया इन्हें परू है पिया वत वदा दरिया उत्थान अल्लाह माफ़ करे ढाह लगी खड़ी है। अल्लाह माफ़ करे ओ बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ ढाह होंगी है। सैलाब तो आंदे तो लगे मैं आंदे ढाह जरे वे आंदी हो तो घर आते घर ढवा छी है। तो दुआ कराए जो अल्लाह ताला इन आफत को दूर करे, सैलाब तू भी बचावे तो ढाह तू भी बचावे। बाकी इंशाल्लाह अगर तो माहौल लिखे तू सारा इलाके शीह ले तभी अपना गड्डी फस गई है चिक्कड़ दे विच हुण देगा पिछू ट्रैक्टर धिक्का लेंदा पे ते जा निकल दी या नहीं निकल दी तुसा ही देखो ते बाद एंजॉय करो। अगली साइड के बन के उठा काम शुरू थी होना है उन पास हूँ मैंने पैन सारे एक ट्रैक्टर ही निकल गए तो नाल जरे को कमेटी मैंबर हैं वो भी नाल रहने पाँच जरे काम कराने वाले बंदे हैं दू त्रै मुंशी नाल हैं वो भी तो बस उतें जुड़ के मिलते हैं। काम तो वाला है ऐसे तो घर आ गए हैं बस इतना आ गए हम रोटी रोटी खाने बस इन शाला रोटी खाने पैन रोटी खाने आओ बिस्मिल्लाह खाग नू बात इंशाल्लाह। खाना शाना खा गई हूँ
ਹੁਣ ਵੱਧ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਵਾਲਾਂ ਛਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖਤ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਜੁਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਖਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਥੁੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤਰੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਐਵੇਂ ਦਾਂਤ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਥਾਇਆ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਖੇ ਜੋ 10 ਨੰਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਮਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਖਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਸੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਛੋੜੋ ਸੋ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸੂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।